नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में मेरे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं थोड़ा सा लेट वीडियो लाता हूं और जो बाइकों के रिव्यू लाता हूं थोड़े से लेट लाता हूं, क्योंकि तो मैं जल्दबाजी में नहीं चाहता कि आपको कोई गलत रिव्यू दें। अगर या आप मेरे थ्रू बाइक परचेज़ करते हैं तो आप कोई गलत बाइक परचेज़ कर लें मेरे भरोसे पर, इसीलिए मेरे को थोड़ा देर हो जाती है आपके लिए वीडियो लाने के लिए। तो आज के वीडियो का टाइटल ये है कि जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, नीचे लिखा है वाई सी टी 100 अट्रैक्ट मी अगेन। तो ये जैसे कि सी टी 100 खड़ी है तो आज इसी बाइक का रिव्यू करूँगा। हालांकि इस बाइक का मैंने रिव्यू इससे पहले किया हुआ है, जब करण भाई आए थे बजाज की सी टी 100 लेकर 950 किलोमीटर की राइड एक दिन में करके आए थे, तब मैंने इसका किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको 950 किलोमीटर राइड इन वन डे का लिंक मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक, मेरे पास तीन टॉपिक हैं। एक, मैं आपको इस बजाज सी टी 100 की बाइक के बारे में बताऊंगा, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी पावर, और जिन लोगों का बजट 50,000 के अंदर का है और चाहते हैं कि राइड भी करना चाहते हैं और अच्छी सी मजबूत इंजन की बाइक ले सकें तो ये बाइक परचेज़ की जा सकती है। तो मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड जानकारी दूंगा। दूसरा टॉपिक ऐसा रहेगा कि जिन दो बंदों के बारे में आपको बताऊंगा, या दूसरा टॉपिक या तीसरा टॉपिक भी बोल सकते हो आप, कि ये जो दो बंदे रहेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी कहा कि मैं जब भी वीडियो के रिव्यू लाता हूँ तब लाता हूँ जबकि मेरे पास मैं अच्छी तरह राइडर्स से जानकारी कर लेता हूँ, अच्छे अच्छे राइडरों से मिल लेता हूँ जो इस बाइक का यूज़ कर रहे हैं, तो और उनसे मैं सारी जानकारी ले लेता हूँ, क्या राइड किया उन्होंने, कितने दिन में राइड किया, कैसा परफॉर्मेंस था इस बाइक का, कैसा था, तब मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो दोस्तों, अगर तो मैं अभी बात करता हूँ आपसे पहले टॉपिक पे। तो जैसे कि ये सी टी 100 है तो हालांकि जिस बाइक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ये अब तक चल चुकी है 90,000 किलोमीटर, तो 90,000 किलोमीटर मायने रहता है। और इस सी टी 100 के जो ओनर है वो मेरे साथ हैं, जो मेरा इसमें कैमरा पकड़े हुए हैं, मैं आपको अभी उनसे मिलवा दूंगा। और 90,000 किलोमीटर चलने के बावजूद भी इस बाइक के इंजन में कोई काम नहीं हुआ है, केवल इस बाइक की एक बार क्लच प्लेटें बदली गई हैं जो कि, और बाकी इस इंजन में ओनर से मैंने बात की क्योंकि ये मेरे मोहल्ले की बाइक है, मेरे नेबर जो मेरे पड़ोसी हैं उनकी बाइक है, तो मैं खुद भी देखता रहा हूँ कि 90,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इस बाइक में केवल क्लच प्लेटों का काम हुआ, क्लच प्लेटें चेंज की गई, अदरवाइज कोई काम नहीं हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपका बजट 50,000 से नीचे का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, क्योंकि मेरे इसी तरह के रिव्यू के, मेरी राइड के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, अगर आपको दिख रहा हो तो उसको टच कीजिए और बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं।
आज जो हम लोग बात करेंगे सिटी 100 बाइक के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, इस बाइक की ऑन रोड कीमत है 40,000 रुपये जो कि कानपुर में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एक नई सिटी 100 लॉन्च हुई है जो कि सेल्फ पे है और इसमें अलॉय व्हील वगैरह भी हैं और किक स्टार्टर है, इसमें सेल्फ भी दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ, वो बाइक एक्चुअली में वो बजाज सिटी 100 का वो फेल इंजन है। अगर आप उस बाइक को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू, तो उस बाइक को मत परचेज़ कीजिए, क्योंकि वो इंजन बजाज का फेल हो चुका है। और मैंने उस बाइक को भी चलाया है तो वो बाइक इतनी दमदार नहीं है। आप जब 40 की स्पीड में आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा उस बाइक को 6 गियर की ज़रूरत है, 6वां गियर मांग रहा है, इतना आवाज़ करता है, इतना वाइब्रेशन करता है। तो अगर आप बाइक ख़रीदना चाहते हैं, आपका बजट 40,000 से 45,000 रुपये तक का है और आप चाहते हैं कि अच्छी सी बाइक आपके पास हो, तो आपको ये बाइक अच्छी रहेगी। और मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बताता हूँ, अगर आप बजाज की सिटी 100 लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट मत लीजिएगा, जो कि सेल्फ वाली है उसको मत लीजिएगा। आप इस सिटी 100 के इस इंजन को लीजिएगा जो कि नीचे से लेकर के इसका हेड तक थी, जो कि पूरा ऊपर तक लोहे का है और ये केवल किक स्टार्टर, इस पर सेल्फ नहीं हुआ है। तो अब ये बाइक बजाज की सक्सेस बाइक है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने। और मेरे जो दोस्तों हैं, दो ओनर हैं, जैसे कि करण भैया जो मेरे घर आए थे, मैंने आपको वीडियो का लिंक दे दिया, आप देखिएगा जरूर, आपको सारी जानकारी हो जाएगी उससे। और जो दूसरे मेरे दोस्त हैं अरुण भाई, जो दिल्ली के हैं, वो भी बजाज सिटी 100 के राइडर हैं, उन्होंने इस बाइक को 2 बार लद्दाख, 1 बार विंटर स्पीति और चलाया, तकरीबन 30,000 किलोमीटर उन्होंने चलाया है जब शुरू से वो राइड कर रहा है, और वो सिटी 100 पे ही राइड करते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या इस बाइक का कोई प्रूफ नहीं मेरे पास। तो मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ साफ साफ बताना चाहता हूँ कि इस बाइक का जो मैं रिव्यू देने के साथ साथ मैं आपको इसके बारे में और इसके बारे में पूरे मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा इस बाइक के बारे में, और मेरे पास पूरा प्रूफ है उन राइडरों का जिन्होंने इस बाइक से लद्दाख जैसी राइड में टफेस्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो बोली जाती है उसको क्रॉस किया है, उसको पूरा किया है, राइड किया हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा सा उसके लिए बाद में बताता हूँ, उसके लिए मैं पहले इस बाइक के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया बजाज की सिटी 100, और इस पर 2 मॉडल आया और आए हुए हैं, एक जो दूसरी बजाज की सिटी 100 है उस पर ये इंडिकेटर आपको मिलते हैं गोल वाले। तो अगर अदरवाइज़ अगर आप बजाज की सिटी 100 बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा आपको ये इंजन बजाज का चाहिए, क्योंकि नए वाले इंजन में मैं आपको बता दूँ, नए वाले इंजन में जहाँ पे प्लास्टिक का हेड जो है इसका प्लास्टिक का आ रहा है, सिल्क वाला आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा वो बाइक को मत लीजिए, वो बजाज का सक्सेस इंजन नहीं है। अगर आपको बजाज का बाइक लेना है सिटी 100, तो आप किसी इंजन को लीजिए जिसकी मेरे यहाँ कानपुर में 40,000 के आसपास की कीमत है। आप क्या है मेरे को पता नहीं, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। तो ये था इस बाइक का परफॉर्मेंस, और जो इसके ओनर हैं अभी मैं उनसे मिलवाऊंगा। 90,000 किलोमीटर चलने के बावजूद भी ये गाड़ी पे अभी केवल क्रश प्लेटें 1 बार बदली गई हैं, तो काफ़ी ताजुब होता है कि जब मैंने लोगों से जानकारी की जो इस ओनर हैं बजाज सिटी 100 के या अदरवाइज जिनके पास बजाज सिटी 100 है और राइडर हैं, तो उनसे मैंने बात की, तो बात करने के बाद मेरे को फाइनल डिसीजन ये मिला कि नहीं, गाड़ी अगर 40,000-50,000 के अंदर की बजट में एक बाइक बहुत अच्छी है, जो लोग राइड के शौकीन हैं जिनका इतना अच्छा बजट नहीं है तो वो भी इस बाइक को लेकर के राइड कर सकते हैं। बस आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी ये होनी चाहिए राइड करने पर कि ये 100cc की गाड़ी है, 98.9 cc की, इसमें 2-3 वेरियंट आते हैं, जो इसका है 99.6 cc का इंजन है। तो अगर आप 100cc की बाइक लेते हैं तो आपको और राइड करना चाहते हैं तो लॉन्ग रूट, तो कोशिश कीजिएगा 100cc की बाइक में अगर आपको राइड करना है तो आपको उसकी टॉप स्पीड रखनी होगी 60 से 70 किलोमीटर के बीच। अगर आप टॉप स्पीड 60 से 70 किलोमीटर के बीच का रखते हैं तो गाड़ी का इंजन भी नहीं होगा, क्योंकि एयर कूल्ड इंजन है। तो अगर 60 से 65 आप गाड़ी को राइड कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप 100 से 150-200 किलोमीटर भी चला सकते हैं, क्योंकि मेरे जो दो राइडर हैं जिनसे मैंने बात की, उन्होंने 200-250, यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि मैंने 250 से 300 किलोमीटर तक मैंने नॉन स्टॉप इस बाइक को चलाया बिना रेस्ट किए हुए, हालाँकि वो मोटिव का सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते थे, और आप बोले कि मेरे को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो चलिए ये था बजाज की सिटी 100 बाइक का रिव्यू। तो 90,000 किलोमीटर की बात भी, आज भी बाइक अच्छी कंडीशन में मैं खुद चला के आया, राइड करके आया 20 किलोमीटर चला के, पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सेटअप कैसा है। मेरे को हर 100cc की वेरियंट में मेरे को सबसे अच्छी बाइक लगी, हालाँकि मेरे पास जब मैंने होंडा लीवो लिया था तो मेरे पे इतना राइडिंग का क्रेज़ नहीं था, मेरे को पता नहीं था, जब मुझे शौक लगा राइडिंग का तो तब मैंने होंडा लियो लिया। और जो जितनी जानकारी अब मैं
जानता हूँ या पता कर पाता हूँ, तो उस हिसाब से अगर मेरे को ये जानकारी पहले होती तो मैं भी कोशिश करता कि ये सिटी हंड्रेड मैं भी लेता। और हालांकि आने वाले नेक्स्ट टाइम में अगर मेरा बजट हुआ तो 150 cc का बाइक का ये तो मैं सिटी हंड्रेड लूँगा। तो चलिए ये होगी बजाज की सिटी हंड्रेड की बाइक के बारे में मैंने आपको बता दी। अब देखिए मैं प्रूफ देता हूँ आपको कि ये जो दो राइडर थे जिनसे मैंने बात की, जिनसे मैं इनके इमेजेस वगैरह लिए जो कि लद्दाख राइड जिन्होंने किया हुआ था, तो मैंने प्रूफ मांगा उनसे। और एक तो मेरे पास फुल प्रूफ था कि करण भैया जो कि मेरे घर आए थे बजाज का सिटी हंड्रेड लेके, वो तो हैं। और दूसरे हैं अरुण भाई मेरे दिल्ली के, तो जो उन्होंने लद्दाख दो बार किया हुआ है बजाज की सिटी हंड्रेड से। और अभी विंटर स्पीति करके आइए, तो चलिए मैं इमेज दिखाता हूँ। तो देखिए ये इमेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले, तो देखिए जो मैं सबसे पहले ये इमेज आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे राइडर करण भाई की जो इंदौर से है। तो इस ये देखिए ये जो मैंने इसके ये आपको मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ ये अभी हाल के इसी महीने की राइड के हैं, इसी महीने की राइड पे हैं। और ये अभी इंदौर से गए थे केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए बजाज की सिटी हंड्रेड बाइक पे, और इन्होंने सक्सेसफुल राइड की। 7 दिन का इनका ट्रिप था इंदौर से, और इसी सिटी हंड्रेड पे केदारनाथ बद्रीनाथ चारों धाम करके आए हुए हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये देखिए इमेजेस मैं उनकी दिखा देता हूँ, ये देखिए माना पास की इमेजेस, और ये सेकंड है जिस पर आप देख सकते हैं बद्रीनाथ लिखा हुआ 0.9 किलोमीटर। यही है करण भैया जो कि मेरे घर आए हुए थे, और इनका लिंक भी है नीचे। और ये देखिए इनकी 2-3 इमेजेस मैं दिखा देता हूँ। हाँ तो चलिए ये हो गई करण भाई की इमेजेस। अब मैं आपको जो दूसरी इमेजेस दिखाने जा रहा हूँ ये हमारे राइडर अरुण की, जो कि दिल्ली के मेरठ के रहने वाले हैं, और एक बार विंटर स्पीति दो बार लद्दाख किया हुआ इन्होंने। तो ये और मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ ये इमेजेस विंटर स्पीति की, जब इन्होंने विंटर स्पीति किया था तब की ये इमेजेस है। ये देखिए ये है अरुण भाई की विंटर स्पीति की इमेजेस। तो गाइस देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया ये इमेजेस, अब आपको पता चल गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको इसके अलावा भी यकीन नहीं होता मेरी बातों पे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इनके चैनल के लिंक दिए हुए हैं, आप उनसे इनके चैनल के लिंक में जाके उनके वीडियो देख सकते हैं, उनसे कमेंट कर करके पूछ सकते हैं, तब शायद आपको ये पता चल जाए कि मैंने जो भी रिव्यू दिया है वो बिल्कुल गलत नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं ये मेरा मेन मुद्दा था इस बाइक का रिव्यू बनाने का, ये था कि मैं चाहता था जिनके पास 50,000 के नीचे का बजट है और अच्छी बाइक लेना चाहते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं और राइड भी करना चाहते हैं, तो इस बाइक को सिटी हंड्रेड को बाइक को ले सकते हैं और राइड भी कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बस बसरते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के कि जैसे कि इंजन टेम्परेचर वगैरह और इंजन ऑयल कौन सा आप यूज करते हो गाड़ी का मेंटेनेंस करने का। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी कैसे लगी। और अगर अदरवाइज़ आप कुछ वीडियो हमेशा ऐसा ही वीडियो बाइक के रिव्यू चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए नए से नए वीडियो बनाता रहूँगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। राइड सेफ, ऑलवेज वियर ए हेलमेट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।